तो जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तक आ गए। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन पिछले बार हम लोगों ने लगाया था, अब हम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे आ गए हैं, जिसमें बर्नौली थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारी चीजें होती हैं। और बहुत अच्छा चैप्टर होता है, बड़ा भी होता है, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं। और देखा जाए अभी विगत वर्षों में अगर हम देखें तो बहुत क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, मगर हाँ उससे पहले बहुत क्वेश्चन आया करा करते थे। तो खैर बढ़िया चैप्टर है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और ये जान लीजिए, आए कम आए, ज्यादा आए, बहुत ज्यादा आए, बिल्कुल ही ना आए, तो ऐसा कुछ नहीं। जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है 10 साल के, वो मेरी जिम्मेदारी कि वो आपको लगवा दूँ, बस। समझ गए कि नहीं? तो आप 100% पीवाई क्यू लगा के इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ये जान लीजिए। 3 सितंबर का एग्जाम में 100% आप इस बार लगा के एग्जाम देने जा रहे हैं। और गारंटी है इस बार बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इससे पहले बच्चों को इतना पीवाई क्यू कभी नहीं लगवाया जाता जितना हम लोग लगवा रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे तक प्लस पॉइंट क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कराता हूं मैं, कि भाई ये भी देख लो, एक्सपेक्टेड इससे रिलेट भी करता क्वेश्चन है ये, हो सकता है फेरी मार दे और ये भी आ जाए, तो ये भी बहुत जरूरी है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। तो पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड का जो समागम है वो बहुत अच्छा रूप एक लेगा और आपको सफलता भी सुनिश्चित कराएगा, ठीक है? तो मेरे साथ लग जाइए बच्चों, और सभी लोग जुड़ जाइए, बिल्कुल सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जय हिंद। सचिन पटेल जय हिंद, तरुण जय हिंद, अनिश यादव जय हिंद, एम आर आयोटा डी, अच्छा ऑप्शन नहीं देने लगे, पीछे क्वेश्चन खुला, अच्छा जय हिंद दीक्षा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, बढ़िया भैया दीक्षा, बढ़िया सा चाय पी के बैठी हुई ऐसे भैया, हाँ चलो शुरू करें। चलो भाई, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है ही, बिल्कुल कुछ बच्चों ने आंसर भी देने की प्रयास करा है, थोड़ा सा पेन ले लिया जाए, हाँ चलो। तो ये 2014 के पहले एनडीए का क्वेश्चन है, जरा मार दीजिए क्या होगा आंसर, चलिए मार दीजिए क्या आंसर होगा। जय हिंद शास्त्री यादव, आयुष जय हिंद जय हिंद जय हिंद, क्या क्वेश्चन है? बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड, बर्नौली का जो प्रिंसिपल होता है बच्चों वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित प्रश्न, ठीक है? ठीक, याद रखिएगा ये किस पे है, ऊर्जा संरक्षण पे है। और ये बर्नौली प्रिंसिपल बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है? एयरलिफ्ट की बात कर लिया जाए, वेंचुरी मीटर की बात कर लिया जाए, वेरियस एग्जामों में बहुत क्वेश्चन इनके एप्लीकेशन से भी पूछे गए हैं। तो एक बात जरूर, मेरी एक राय, पर्सनल राय है कि आप एनडीए के एग्जाम देने से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबाई में ज्यादा लिखा हुआ है, मगर डरना नहीं है, इत्मीनान से पढ़ो, हो जाएगा। जब पढ़ो तो इसका मैं करता हूँ, ठीक है? चलो अभी तो ऐसे ही बैठे हैं, अब मिलेगी, डोंट वरी, आपको भी भेज देंगे चाय, बहुत बढ़िया। चलिए हम भी भेजेंगे, तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, मगर हम मंगा लेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले तो ये मार्क कर लो बच्चों कि ये नॉट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? नॉट। तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्वेश्चन में लिखा कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और है, मारते कुछ है, नंबर कुछ और आते हैं, ऐसा होता है, सब कुछ कुछ और ही होता है। तो पढ़िए, किसी हिंदी थोड़ा टिपिकल है, इंग्लिश से पढ़ सकते हैं। इन स्टडी फ्लो ऑफ लिक्विड द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल रीचिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम एट ऑल पॉइंट, ठीक? ये बोला, स्टडी फ्लो इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक? इन स्टडी फ्लो ईच पार्टिकल मे नॉट फॉलो द सेम पाथ एज टेकन बाय प्रीवियस पार्टिकल, ठीक? उसके बाद बोला टू स्ट्रीमलाइन फ्लो कैन नेवर इंटरसेक्ट या कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो कुल मिला के ये जान लीजिए कि स्ट्रीम लाइन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? स्ट्रीम लाइन का क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे आंसर सी दे रहे हैं, सभी बच्चे इत्मीनान से पढ़िए, मैं बहुत जल्दबाजी करने के मूड में नहीं हूँ कि जल्दबाजी में आंसर दे देना है। आप पहले इत्मीनान से पढ़ लीजिए और उसके बाद हमको बताइए कि क्या होगा, समझे कि नहीं? उसके बाद बताइए कि क्या होगा। चलो जल्दी से दो भाई, दीक्षा आंसर दो भाई, दीक्षा आंसर दीजिए, इत्मीनान से पढ़िए और बढ़िया से आंसर दीजिए। स्टडी फ्लो को समझ लो, स्टडी फ्लो को ध्यान में रखो,
स्टडी फ्लो को ध्यान में रखिए और अपना आंसर को मारिए। सी होगा। क्या लिखा है सी? इन स्टडी फ्लो ईच पार्टिकल मे नॉट फॉलो द सेम पाथ। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ मुझे। अच्छा एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़ते हैं। इन स्टडी फ्लो, ध्यान से पढ़ो, फोकस हो गए, हो सकता है सही हो, ध्यान से पढ़िए। इन स्टडी फ्लो ईच पार्टिकल मे नॉट फॉलो द सेम पाथ। हाँ ये बात बिल्कुल सही भाई, ये बात बिल्कुल सही है। मे नॉट फॉलो द सेम पाथ टेकन बाई प्रीवियस पार्टिकल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। सी आंसर क्या है? सही है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो पार्टिकल होते हैं वो सेम पाथ को फॉलो करते हैं। जैसे सपोज करो ये है, ऐसा ये स्ट्रीम है, मान लीजिए यहां पे ए बिंदु है, यहां पे बी बिंदु है। तो मान लीजिए पानी का कोई भी पार्टिकल आएगा ना, तो जैसे मान लो ए बिंदु पर ऐसा पाथ फॉलो हो रहा है, बी पे ऐसा पाथ फॉलो, तो कोई भी पार्टिकल यहां से आएगा वो ऐसा ही पाथ फॉलो करेगा। समझे कि नहीं? जैसे मान लो ए बिंदु से पानी का एक मॉलिक्यूल गया, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो पीछे से आने वाला दूसरा मॉलिक्यूल भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। इसी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। इसी क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ पे क्या बोले? इन स्टडी फ्लो ईच पार्टिकल मे नॉट फॉलो द सेम पाथ। मतलब बोला हर पार्टिकल पाथ को सेम फॉलो नहीं करेगा। ये गलत लिखा हुआ है और हमको गलत ढूंढना भी है। सी आंसर क्या है? सही है। हाँ बिल्कुल, माय बोथ द आंसर विल बी करेक्ट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन 2016 में आया है, सिंपल क्वेश्चन है, जरा बताने की कोशिश करिए कि क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बताइए डेंसिटी कब ज्यादा होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम कहां कब होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम कब होती है? इत्मीनान से बताइएगा। देखो ये क्वेश्चन हरबड़ी का गलत हो सकता है, इत्मीनान से बताइए कि क्या सही है। मैं इतना हिंट दे दे रहा हूं कि मैक्सिमम का आंसर क्या है? सही है। मैक्सिमम वाला आंसर सही है, इतना हिंट दे दे रहा हूं। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम वाला आंसर सही है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो 4 डिग्री है। मैक्सिमम क्या है? 4 डिग्री पे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम में 4 डिग्री। अब उससे नीचे चलते चले जाएंगे तो फिर बर्फ बनने की प्रक्रिया हो जाएगी, और बर्फ बनने की प्रक्रिया में जानते हो बर्फ की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। समझ गए कि नहीं? आप देखो क्या दिख रहा है, मैक्सिमम एट 4 डिग्री, मतलब 4 डिग्री तक मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद अगर आप देखो तो बर्फ बनना ही शुरू हो जाएगा 0 डिग्री, फिर आगे जाके होता चला जाएगा। तो फिर बर्फ तो जानते हो डेंसिटी कम होती है। ठीक, चलो अब 2016 के सेकंड इंडिया में आया, जल्दी से बताइए। अच्छा ये भी स्ट्रीमलाइन फ्लो का है। अरे बाप रे बाप, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो को बहुत प्यार करता है इंडिया, है कि नहीं? धारा रेखी प्रवाह जिसे कहते हैं। जरा बताओ एयरफोर्स का रिजल्ट तो यार आज कितने दिन हो गया आ गया विकास, तुमको अभी पता नहीं चला? हाँ तुमको अभी पता नहीं चला भैया? अब आगे बताइए। अगला और भी बच्चे थे, दीक्षा ने आंसर सी दिया, और भी बच्चे दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो आर्यन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आदर्श ने भी सी आंसर दिया है। चौथा आंसर क्या है? द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट।
सी आंसर सबसे अप्रोप्रिएट है और सी आंसर क्या है करेक्ट, सी आंसर क्या है सही, सबसे अच्छा आंसर सी, ठीक है मार दीजिएगा। द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन, जैसे हमने यही बताया था ना गिवन पोजीशन, जैसे मान लीजिए ये एक गिवन पोजीशन है तो यहाँ से जितने भी मॉलिक्यूल जाएंगे, जैसे मान लो पहला मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकेंड से गया तो जो पीछे से आने वाला मॉलिक्यूल है वो भी 2 से ही जाएगा और उसी दिशा में जाएगा, याद रखिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे बी है, रफ्तार मान लो घट गई किसी कारणवश घट गई, तो यहाँ से जो भी पार्टिकल आए, जैसे मान लो यहाँ से एक पार्टिकल ऐसे गया तो 2 ही से जाएगा, दूसरा आगे 2 ही से जाएगा, तीसरा 2 ही से जाएगा, चौथा ऐसे 2 ही जाएगा। मान लो यहाँ पे पहुंचा तो 1 से पहला वाला गया तो दूसरा भी ऐसे ही जाएगा, तो इसका मतलब यही हुआ द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन इज कॉन्स्टेंट, मतलब ये जो गिवन पोजीशन है हर पार्टिकल के लिए वेलोसिटी वहां पे क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। अच्छा बस आपकी कृपा से एनडीए हो जाए, अच्छा ठीक है वो भी हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा, बस ये है कि धैर्य का परिचय बनाए रखिएगा, हो जाएगा। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया का, इतना बड़ा क्वेश्चन। चलो पहले देखो मैं तुमको देता हूँ, या ऐसा करो पहले सुनो एक इत्मीनान, पहले पढ़ लो, हिंदी वाले हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लो, मैं भी सामने स्क्रीन लगी, मैं हट जाता हूँ, मैं भी सामने स्क्रीन में पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं ठीक है। अब चलो बोला कि अब तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ो। द आइडेंटिकल कंटेनर एक्स एंड वाई, बोला क्या, द आइडेंटिकल कंटेनर एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड, दो कंटेनर ये दिए हैं, ये जो दोनों हैं क्या कनेक्टेड है ठीक है, एट द बॉटम बाय थिन ट्यूब, यहां से थिन ट्यूब से कनेक्टेड है ठीक है, और नेग्लिजिबल वॉल्यूम, द ट्यूब हैज अ वैल्यू इन इट एज शोन इन द फिगर, ठीक है इस ट्यूब की ये कुछ वैल्यू दी हुई है ठीक है। उसके बाद बोला ट्यूब हैज अ वैल्यू शोन इन द फिगर, इनिशियली कंटेनर एक्स हैज अ लिक्विड फिल अप टू हाइट एच, इसमें एच हाइट तक लिक्विड फिल है, and it container y is empty, ये पूरा खाली है, when the valve is open, इसको खोल दिया गया, पूरी कहानी लिखी है, both container have equal amount of liquid in equilibrium, मतलब जब से खोल दिए तो दोनों में बराबर पानी आ गया ठीक है हाँ। the initial potential energy of liquid is p1, तो final potential energy को p2 पूछा है। अरे भैया ये तो बहुत मजेदार होने वाला है क्वेश्चन, कितने लोग आंसर, पहले आप लोग जो देना हो दे दो, पहले आप लोग जो देना हो दे दो, फिर उसके बाद मैं अपना बुद्धि लगाता हूँ कि कैसे सॉल्व होना है ठीक है। जल्दी से जो भी आपका आंसर है वो दे दो, उसके बाद मैं बुद्धि लगाता हूँ कैसे सॉल्व होगा ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इत्मीनान से करिए, लगा लो थोड़ी सी पेन चलाओ, थोड़ा सा पेन चला लो बच्चों, थोड़ा सा पेन चला लो, थोड़ा सा पेन चला लीजिए जल्दी से। सर इसमें सजेस्ट फॉर्मूला क्या लिखा है, और बच्चों ये क्वेश्चन बताएं, एक चीज सुनो, ये जो क्वेश्चन है ये 2023 अभी बिल्कुल लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। गड़बड़ाइए नहीं, इत्मीनान से करिए, पहले पोटेंशियल एनर्जी और बाद की पोटेंशियल एनर्जी को समझिए। बोला इसका तो ABCD सभी होगा हाँ, चलो मैं करूं, चलो मैं करता हूं, बहुत हो गया आप लोगों से, देखो अब इधर फोकस करो, अब मैं करता हूं ध्यान से देखो, देखो पहले तो यहां से लेकर यहां तक पूरी कहानी ही लिखी हुई है ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरी एक
कहानी लिखी हुई, ठीक है, तो जो कहानी लिखी उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। बोला क्या, when the valve is open, इसको खोल दिया गया, ठीक, both the container have equal amount of liquid, जब हमने खोल दिया तो हुआ क्या कि दोनों में बराबर पानी आ गया। मान लो, सपोज करो ये दोनों में बराबर ये पानी आ गया, ठीक, इन इक्विलिब्रियम। इफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज P1, प्रारंभ में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, P1 थी, प्रारंभ में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, P1 थी, तो आप पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें तो कितनी हाइट तक भरा हुआ है, h हाइट तक भरा हुआ है, कितनी हाइट तक भरा हुआ है, h हाइट, तो इनिशियल में एनर्जी P1 थी, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, mgh कर दो कि mgh, चाहे तो आप बर्नौली से भी लिख सकते हो, v रो g भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, इससे भी कोई वो मतलब नहीं होगा कि नहीं आएगा, ठीक। एंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब अगर दोनों कंटेनर आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये पानी कितना हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, mgh/2 हो जाएगी, ठीक, और इधर भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh/2, तो अगर हम इसके जगह अगर हम P1 रख दें तो P1/2, तो एक तरीके से आया 2P2=P1। ये आंसर क्या है, सी आंसर क्या है, सही सी आंसर क्या है, सही है। चलो आ गया दीक्षा, सौरभ आ गया, आर्यन बढ़िया आया, आ गया सबको, देख लो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी बार का क्वेश्चन है ये, और सोच लो इस बार के क्वेश्चन में यही देखने के साला, इतना बड़ा बड़ा लिखा भी और बल्क में डायग्राम, जो जाइंट जाइंट क्वेश्चन बड़ा बड़ा देखने को मिल रहा था कि मजा ही आ गया था, ठीक है। चलो अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा गया, देख रहे हैं आप, खत्म ही हो गया, एक दो क्वेश्चन डेंसिटी का पूछा गया था, वो भी मैं करा दूंगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मगर अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। चलो देखो, आउट ऑफ द रबर एंड स्टील इज मोर इलास्टिक, तो मोर इलास्टिक क्या होगा, रबर होगा, मोर इलास्टिक क्या होगा, रबर होगा, नहीं सर, मोर इलास्टिक रबर नहीं होता, आप गलत मार रहे हो, स्टील होगा, है कि नहीं है, क्योंकि स्टील ज्यादा खिंचता नहीं है, तो सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होगा, स्टील होगा, ठीक है। तुम भी कहो सर मजा ले लिया, आप भी आए, हम तो सोचे आप गलत मार दिए, हाँ। चलो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, ठीक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिएगा। स्ट्रेस क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस होता है एक तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन आर एरिया, या विरूपक बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तो एक तरीके से फोर्स अपॉन एरिया हम अगर डायमेंशनली अगर बात करें तो वो प्रेशर के बराबर ही होगा, किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर ही होगा, तो बी आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है, बी आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक। चलो कौन लड़ाई वड़ाई कर लिया क्या भैया, माइंड योर लैंग्वेज आर्यन, आर्यन का बोल दिए भैया तुम, सर इट्स क्या लिखा है, वेद आर्यन क्या लिखे इस कमेंट का मतलब तुम समझते हो क्या है, कनक गुस्सा रही है, क्या बात है, मुझको कोई बस इतना भर समझा दे कि मुझको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, इतना भर समझा दे, बाकी तो मैं निपट लूंगा। सर सी के क्या लिखा है, पढ़ो तुमको समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब, साला मॉडर्न तरीके का लड़के हैं ये सब, बहुत अलग, सर फोन वाज विथ माय फ्रेंड,
देखो एक चीज ये याद रखो ना, देखो सुनो, जैसे आप लोग लड़ाई करते हो, देखो एक हंसना खेलना एक अलग है, देखो मजाक एक अलग चीज होती है, बदतमीजी एक अलग चीज होती है, तो दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है, ये चीजें हम बहुत मिस इस चीज को करते हैं। जैसे हम लोग जिस समय पढ़ते थे तो हम लोग कभी भी बदतमीजी नहीं करते थे, और मजाक होता तो मजाक को बड़ा मतलब एक बिल्कुल इनोसेंट टाइप से बिल्कुल होता था, तो जो देखने वाला रहता था ना या जो भी हम लोग को पढ़ाता था ना, वो भी हम लोग को हल्का सा डांट लगा जानता है यार ये तो समझ जाता है कि इनोसेंट है। मगर आजकल का अगर हम देखते हैं, रुकना मैं किसी को पर्टिकुलर कह नहीं रहा, मगर समझो ध्यान से, मगर आजकल मैं देख रहा हूँ ना लोग बदतमीज हो गए। ठीक है, तो अब नहीं बाहर भी देखता हूँ, ऐसे क्लास में भी देखता हूँ, वहां भी देखता हूँ, मतलब वो बदतमीजी भी उतार दिया। एक मजाक, किसी से मजाक करोगे तो बुरा नहीं मानेगा कभी भी याद हो, मगर बदतमीजी करोगे तो बुरा मानेगा, ये होता है। तो कोशिश करिए कि इस तरीके की चीजें नहीं हो, है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिश करिए लड़ाई मत करिए, नहीं मैं सेशन को तुरंत ऑफ कर दूंगा, बस तुरंत ऑफ करूंगा और फिर मैं नहीं देखूंगा, मैं सोचूंगा जाओ भाड़ में तुम लोग, है कि नहीं, ऐसे ही सोचूंगा। क्वेश्चन टाइप करा के, ये करा के, वो करा के, मैं काहे लिए आपके लिए लाता हूँ, जब ऐसे ही लोग रहोगे तो मैं तुरंत बंद कर दूँ, कोई मुझे शौक नहीं है जान लो, फट से बंद कर दूँ। ठीक है, होगा होगा सिलेक्शन, नहीं होगा नहीं, कौन मेरे रिश्तेदार हो, सीधा मैं फैक्ट बोलता हूँ, लड़ाई बिल्कुल नहीं, एक इमोशन से रिजल्ट आता है, मैं आपसे इमोशनली कनेक्ट हूँ ये जान लूँ। अगर आप लोग कोई भी इस तरीके की हरकत अगर करोगे तो फिर मैं राम राम कर लूँगा, मुझे भी बहुत काम है ये जान लूँ। ठीक है, मैं सुबह 7 बजे आपको आके ये करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ, मैं तो उनको काम उनको बच्चों को फोकस करूँ जो बहुत रिजल्ट मुझको देंगे, तो ये बात समझेंगे नहीं, तो सीधा सा है पढ़ना। चलिए आगे चलते हैं, इससे क्या होता है कि एक लोग नहीं कई लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं ये जान लो, तो ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। ठीक, स्टील इज प्रिफर फॉर मेकिंग ए स्प्रिंग ओवर अ कॉपर। बोला गया कि स्टील को हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रेफरेंस देते हैं, स्टील को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं देन कॉपर। ऐसा क्यों होता है, स्टील को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं देन कॉपर, तो स्टील क्या सस्ता मिलता है या चीपर होता है? ठीक है, यंग मॉडल्स ऑफ स्टील मोर होती है, यंग मॉडल, देखिए जब भी ऐसा चीज होता है ना साइंस से रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसका आंसर भी एक साइंस से रिलेटेड ही होता है। तो देखो जब भी हम लोग स्प्रिंग बनाते हैं, जैसे सपोज करो गाड़ी के लिए हम एक शॉकर बना रहे हैं, तो हम यही कोशिश करेंगे ना कि ये शॉकर दबे फिर उठ जाए। बोलो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये शॉकर दबे फिर उठ जाए, यही तो एक्सपेक्ट करेंगे। तो दबे और फिर उठ जाए इसका मतलब है कि उसकी जो इलास्टिक सिटी होगी वो मोर होनी चाहिए, उसकी इलास्टिक सिटी क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। इस बिहाफ पे हम भी आंसर क्या है, सही है, बी आंसर क्या है, सही है, समझ गए कि नहीं? चलो क्लियर हुआ सबको, ठीक बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आते हैं कि बोथ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर इज डबल। बोला क्या है कि लंबाई और रेडियस को डबल कर दिया जाए, ठीक, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिक सिटी क्या होगा। देखो एक चीज इतना समझो, जब भी आप इस फॉर्मूले को बनाते हो तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन पे, ऐसा होता है, मतलब ये प्रतिबल होता है और ये विकृति होती है, होता है कि नहीं होता। अब जैसे ही तुम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल हटाते हो तो एक कॉन्स्टेंट लगाते हो, एक क्या लगाते हो, कॉन्स्टेंट। तो ये जो मॉडुलस, इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो ये किस तरीके तुमने इस्तेमाल किया, एक नियत मान के तरीके इस्तेमाल किया, बोलो सही है कि नहीं। तो ये एक नियत मान है, और नियत चीज कभी किसी पे निर्भर नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा, ये बच्चों एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये पदार्थ का गुण है, ये क्या है, एक पदार्थ का गुण है, ये बदलेगा किसके साथ, बदलेगा मैटर के साथ, यानी कि पदार्थ, अगर पदार्थ बदल गया तो ये बदल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन द सेम, ये लंबाई त्रिज्या एरिया और ये सब कोई निर्भरता नहीं है इसकी। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब इसको बताओ।
चलो अब इसको बताइए क्या आंसर है इसका। द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन लॉन्गिट्यूडनल अनुप्रस्थ और अपरूपण, हाँ अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अनुपात को क्या बोलते हैं? तो इसके अनुपात को बच्चों लोगों पॉइसन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइसन रेशियो, पॉइसन का अनुपात बोलते हैं। लिख लीजिएगा क्या बोलते हैं, पॉइसन रेशियो। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। अगला, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। मतलब बोला क्या है कि अगर देखो डेंसिटी भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इलास्टिसिटी भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, तो डेंसिटी और इलास्टिसिटी में कोई ना कोई लेना देना तो बनेगा भाई। देखो सीधा सा, अब मेरी बात को सुनो और ध्यान से देखो और मैं झमाकेदार आंसर बताऊं, बहुत मस्त आ रहा। देखो इधर, इलास्टिसिटी अगर यंग मॉडुलस पे जाओ, किस पे जाओ, यंग मॉडुलस पे जाओ। मान लो ये एक रॉड है, ये किससे खींचेगी, अपने mg फोर्स से। तो इलास्टिक सिटी फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक, बोलो सही। मास को क्या बोलोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया, बोलो सही है कि नहीं। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये इलास्टिक सिटी रिलेट को रिलेट किससे कर रही है, डेंसिटी से, जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी इंक्रीजेस, मतलब ये इंक्रीजेस होगा तो ये विल बी आल्सो बी इंक्रीजेस। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर क्या है, करेक्ट है, ए आंसर क्या है, करेक्ट है। लिख लीजिएगा, सबको क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, चलो ये जान लेना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिस दिन इंडिया का एग्जाम खत्म होगा। मैं दिखाऊंगा कि देखो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया था, देख लो वहीं से आया था, जान लो। अभी से बता दे रहा, अभी से मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस मोस्ट एक्सपेक्टेड, जान लो। बोला क्या, द वेयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ लॉन्ग मेटल वायर, लॉन्ग मेटल वायर, इफ द वायर सडनली ब्रेक, ठीक, द टेंपर। अब देखो सीधा सवाल, तार टूटे, रिश्ता टूटे, कुछ भी टूटे, साली गर्मी तो होती ही होती है, बोलो होती है कि नहीं होती। अगर मान लो दो लोग हैं, उनके रिश्ते से मान लो हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये क्या हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और दोनों में तलाक हो गया? नहीं, गहमा गहमी होती है। क्या होती है? गहमा गहमी। तुम भी बोलो क्या होती है? गहमा गहमी होती है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, दोनों का टेम्परामेंट हाई रहता है, जिसका मतलब टेम्परेचर विल बी राइजेस। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर विल बी राइजेस। मार दीजिएगा फटाक से, आ गया, ठीक। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन। अब इसको बताओ, जल्दी से बताइए, अब थोड़ा ज्यादा ठंडा कर रहा है, पंखे की स्पीड को कम कर रहे हैं। आंसर दो भाई, ये तुम लोग अपने में अकेले अकेले मुस्कुराते हैं तो साला हमें पता ही नहीं चलता है कहाँ हो रहा है, समझ लो ये अच्छा काम नहीं करते हो, अकेले नहीं मुस्कुरा रहे, बता के मुस्कुराओ, समझे कि नहीं, बता के मुस्कुराना सही है। हाँ, इसका बी आंसर क्या है, सही है, इसका बी आंसर क्या है, सही है, लिख लीजिएगा।
चल नेक्स्ट आगे, अब बताइए फोकस हो जल्दी बताइए। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाई अ मैन इज ग्रेटेस्ट। देखो एक चीज इतना याद हो, कोई प्रेशर ग्रेटेस्ट होने का मतलब एरिया कम हो गया, इतना समझो। प्रेशर अगर ग्रेटेस्ट है तो एरिया कम हो गया, इतना समझ लो। तो पढ़ो एरिया कम, आदमी खड़ा ऐसे पंजे पे खड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है। अंगूठे पे खड़ा हो जाए क्या होगा, एरिया कम हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। तो वही चीज भी आंसर क्या है, करेक्ट। व्हेन ही स्टैंड ऑन द टॉयज ऑन द वन फुट, ऐसे खड़ा, समझ गए कि एरिया कम हो गया। नेक्स्ट आगे, अब बताओ व्हाट इज द मीन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। एक परिभाषा होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की परिभाषा होती है, प्रेशर ऑफ गैस 13.6 मर्करी कॉलम। इसका मतलब समझते हो क्या? देखो इसका मतलब ये होता है, हम समुद्र के किनारे गए, कहाँ गए, समुद्र के किनारे, और वहां पे हमने एक कंटेनर लिया जिसमें हमने यहाँ पे पारा भरा, जिसे मर्करी कहते हैं, क्या करते हैं, मर्करी कहते हैं, और हमने उसमें एक ग्लास ट्यूब बहुत पतली सी लगा दी, बिल्कुल सील कर दिया ऊपर से। अब यहाँ से लगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, क्या लगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और ये लिक्विड ये लिक्विड ये लिक्विड ये लिक्विड ये लिक्विड राइज करा, ऐसे दबाए तो इधर से राइज करेगा, और कितना राइज करा, 13.6, कितना राइज किया, 13.6 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। तो ये क्या बतला रहा है, ये पी नॉट यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बतला रहा है। बहुत बढ़िया सर, गलत। प्रेशर ऑफ गैस इक्विवेलेंट टू 13.6 ऑफ मर्करी कॉलम, बी आंसर क्या है, लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट आगे चलो। बताओ जल्दी से इसका आंसर। सिक्सटीन नंबर बताइए बच्चों। सही कहा, ए आंसर बिल्कुल सही है, ए आंसर क्या है, देखो जैसे मान लो हम इसे सुई को खींचते हैं तो सुई के अंदर निर्वात पैदा कर देते हैं, सुई के अंदर की जो एटमॉस्फेयर होता है उसको इससे सक कर लेते हैं, तो बाहर का जो वातावरण है वो उस नोक से, नोजल से, मतलब सुई की नोक से घुस जाता है, उसमें होल होता है ना, तो वही चीज है। तो सही आंसर, ए आंसर क्या है, सही। बहुत बढ़िया, क्या राय है, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, क्या बात है, जुगाड़ है बिल्कुल, है कि नहीं, क्या जुगाड़ है, क्या क्या बात, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसको बताइए, एनडी वाले जान लेना तो सबसे छोटा आंसर अब बनाने लगेंगे, ठीक है। चलो लेट अस दैट एयर डेंसिटी, ओ भैया लोगों, डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो है 0.0013। सर लिख लिए बच्चों, मगर ग्राम में है ये ध्यान देना, सीजीएस में है तो सारा कुछ सीजीएस में होना चाहिए, ठीक। रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक, एज वी गो अप इन द एटमोस्फियर, खटक 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 हम ऊपर जाना शुरू करें,
इन सच हाइपोकाल्पनिक किस्सा है, बिल्कुल हो रहा है। द एप्रोक्सीमेट हाइट बताइए कि एटमॉस्फेयर टू हैव अ वन एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्वेश्चन में ये बोला है कि वातावरण में हम कितने ऊपर चले जाएं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वन एटमॉस्फेयर हो जाए। बहुत बढ़िया। तो प्रेशर का फॉर्मूला है HdG। प्रेशर वन एटमॉस्फेयर मतलब 10^5। हाइट हमें निकालनी है, ठीक, ये मीटर में, और फिर अगर आपको सेंटीमीटर में कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, फिर आपको ग्रेविटी भी चेंज करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है डेंसिटी को ही चेंज कर लो। चेंज कर लोगे डेंसिटी को, मैं तुमको हम पूरा करके नहीं दिखाएंगे, बस हम जान रहे हैं, हम आधे करेंगे तुमको, फिर आंसर बता दे रहे ये होगा। देखो इसको तुम CGS में दिया है, इसको SI में चेंज कर सकते हो, ग्राम को KG में, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कर सकते हैं। हाँ सर कर लेंगे। इसको उठा के बस यहां रख दो और ग्रेविटी की वैल्यू रख दो, ठीक, और जब पूरा सॉल्व करोगे तो 8000 मीटर आएगा आंसर, और उसको बोलते हैं 8 किलोमीटर। समझ गए, लिख लो। आ गया, चलो चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़े, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज इजियर टू स्विम, मतलब सी वाटर, मतलब ये है कि समुद्रीय जल में तैरना आसान होता है। अभी ये बताओ तैरना का ही आसान होगा, सोच के बताओ। जैसे मान लो ये समुद्र है, ये झमाकेदार समुद्र है, ठीक, ऐसे झमाकेदार भी पूछ। अब मान लो समुद्र एक लोहे की चादर जैसी रहती तो खड़ा खड़ा तो मार देते, और मान लो अगर हम डूबते चले जाए तो तैरना आसान होगा ना ही सर। तो एक का मतलब यही हुआ कि जैसे मान लो एक आदमी यहां तैर रहा है, ऐसे तैर रहा है, तो अच्छा है ना कि यहीं पे तैरे तो आसान है तैरना। तो ये कब होगा, नीचे तो पृथ्वी फोर्स लगाएगी mg और पानी ऊपर फोर्स लगाएगा, बोलो सही है। ये वाला फोर्स ऊपर ले जाता है, ये वाला फोर्स नीचे ले जाता है, ठीक। अब ये वाला फोर्स ऊपर ले जाता है तो तुम सतह पे रहोगे, इसका ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है, बोलो सही। ये वाला फोर्स ज्यादा कब होगा, जब उस लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ गए कि नहीं? इसीलिए समुद्र तल का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो उत्प्लावन बल मिलता है, क्या मिलता है, उत्प्लावन बल मिलता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसी बिहाव पे सी आंसर क्या है, सही, मार दो सटाक से बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट अगला बताइए, नेक्स्ट आगे चले, बताइए इसको। देखो एक चीज समझो, फोकस होके समझो, जो दाब है, ठीक, जो दाब है पानी यानी लिक्विड के कारण, ठीक, लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं HdG। वो सिर्फ निर्भर करेगा H पे, वो सिर्फ निर्भर करेगा D पे, वो सिर्फ निर्भर करेगा G पे, बोलो सही है। वो किसी मास, किसी कंटेनर, किसी शेप, किसी आकार, किसी आकृति पे निर्भर उर्भर नहीं करेगा। अब एक चीज देख लो,
दोनों में हाइट क्या है? सेम है. ठीक, दोनों का बेस एरिया क्या है? सेम है. और दोनों में कंटेन क्या है? वाटर है, तो डेंसिटी भी सेम. और सारा कांड पृथ्वी पे हो रहा है, तो ग्रेविटी भी सेम. इसका मतलब है कि प्रेशर विल बी सेम, क्योंकि एच भी सेम. दोनों में पानी है तो डी भी सेम. और सारा खेल पृथ्वी पे हो रहा है तो जी भी सेम, तो प्रेशर भी सेम. ठीक, सी आंसर क्या है? सही है. बहुत बढ़िया. ठीक, नेक्स्ट आगे बताओ. चलो जल्दी बताएगा. मेजरमेंट इज डन एट द टॉप ऑफ माउंटेन, मतलब समुद्र तल पर, सी लेवल पे, और पहाड़ के चोटी पर. अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सब्सटेंस या किसी मटेरियल का निकालते हैं तो क्या होगा, बताइए. अच्छा ये सोचो, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, ये क्या है? ये घनत्वों का अनुपात होता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, ये घनत्व का अनुपात, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसे ही बोलते हैं. अब ये बताओ, कोई सब्सटेंस है, सपोज करो लोहा है, पानी है. लोहा और पानी को समुद्र तल पे ले जाओगे तो लोहा पानी ही रहेंगे ना, कि अलग हो जाएंगे? नहीं. अब पहाड़ की चोटी पे ले जाओगे, लोहा और पानी तो एक ही रहेंगे, कि अलग हो जाएंगे? डेंसिटी पदार्थ बदलने पे बदलता है, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, पतलाई, किसी पे नहीं. तो आंसर विल बी सेम. आंसर मार दीजिए. क्लियर? चलो डी आंसर क्या है? करेक्ट. नेक्स्ट आगे. अब इसको बता. अ बलून फिल अप अ गैस वुड ओनली गो अप अप इन एयर इफ इट इज फिल्ड. देखो कोई भी चीज जब ऊपर भागे ना तो समझ जाना कि घनत्व तो कम है. जैसे मान लो लोहे की गेंद पानी में डालो, नीचे भागती है, लेकिन लोहे की डेंसिटी ज्यादा है. और गुब्बारा ले लो, साला ऊपर भागता है, मतलब गुब्बारे की डेंसिटी कम है. तो जो चीज की डेंसिटी कम हो ना, वो भागेगा ऊपर. तो अगर मान लो बलून फिल्ड विद अब अ गैस, कोनो गैस से भरे और गुब्बारा ऊपर भाग रहा है, इसका मतलब है कि गैस हूज डेंसिटी लोअर नहीं, हायर होनी चाहिए. अगर डेंसिटी हायर है, अगर डेंसिटी क्या है? हायर है, तो इसका मतलब हुआ कि रुक जाओ कबर्ड है. ऐसे नहीं. अ गैस हूज डेंसिटी इज लोअर, हाँ, जिसकी घनत्व को, जिसका घनत्व कम होगा वो भागेगा किधर? ऊपर. तो ए आंसर क्या है? सही. अब आसानी से. हाँ सर आएगा. चलो नेक्स्ट. अब देखो अगला. ऑब्जेक्ट वेट मैक्सिमम, किसी चीज का कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट मैक्सिमम कब होगा? वेट रिलेट करता है ग्रेविटी से, और ग्रेविटी में किसी तरीके की डिस्टरबेंस होगी तो वेट मैक्सिमम नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटी मोस्ट ऑफ द उसमें डिक्रीज करता. तो अगर मैं हवा में लूं तो हवा में कुछ ना कुछ प्रतिरोध सतिरोध कुछ भी ऐसा हो सकता है. ठीक, तो याद लीजिए कि कोई चीज अगर नहीं है, वैक्यूम है, तो मैक्सिमम होगा. बाकी और चीजें डिस्टरबेंस है एक तरीके, तो वेट को कहीं ना कहीं घटाए बढ़ाए, रत्ती भरे कुछ भी होगा, घटाए बढ़ाए. तो वैक्यूम आंसर विल बी करेक्ट है. अब आगे चलते हैं. इसको बताओ. अब इसको बताइए. क्या क्वेश्चन? The apparent weight of a steel sphere immersed in various liquid. एक स्टील का स्फीयर है, खुटक 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 ऐसे डुबाए, various liquid. ठीक, और उसको तौलने के लिए हमने स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल किया. स्प्रिंग बैलेंस लगा के, जैसे स्प्रिंग बैलेंस है, गेंद डुबाए, आहा, अच्छा तुम 10 बता रहे हो, आहा, अच्छा तुम 3 बता रहे हो, अच्छा आहा, तुम 8 बता रहे हो, ऐसा कुछ. The greatest reading कब होगी?
सबसे ज्यादा रीडिंग कब होगी? सुन मेरी बात, फोकस करो, सुनो या डायग्राम बना के बताए। हाँ ठीक ठाक डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा सही है। मान लो एक तो यह है, एक तो यह है, वेरियस से दो से ही समझ में आ जाएगा, दो से ही समझ में आ जाएगा। मान लो या इसकी वैल्यू ठीक है और हम या डुबा दिए, ठीक नीचे क्या लगेगा? mg। नीचे क्या लगेगा? mg। ऊपर क्या लगेगा? थ्रस्ट। ऊपर क्या लगेगा? थ्रस्ट। अब देखो समझो, mg क्या करेगा? नीचे लेके आएगा। mg क्या करेगा? नीचे लेके आएगा। अब इसको नीचे लेके आएगा, mg अगर ज्यादा होगा, फोकस हो, mg अगर ज्यादा होगा तो स्प्रिंग खींचेगी ज्यादा, तो बताएगी ज्यादा। अगर mg कम हो यानी कि थ्रस्ट ज्यादा, थ्रस्ट स्प्रिंग को दबाएगी, स्प्रिंग दबेगी तो कम बताएगी, जैसे स्प्रिंग लो इसे खींचो, हाँ सर ज्यादा बता रही, कम बता रही, ऐसा बोलोगे कि नहीं। तो अगर नीचे वाला फोर्स अगर ज्यादा है तो स्प्रिंग ज्यादा रीड करेगी, और नीचे ऊपर वाला फोर्स अगर ज्यादा है तो स्प्रिंग कम रीड करेगी क्योंकि स्प्रिंग को दबाएगा। और आपसे पूछा क्या है? द अपीयरेंट वेट ऑफ स्टील इमर्ज इन अ वेरियस लिक्विड यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस, ग्रेटेस्ट रीडिंग कब मिलेगी? ग्रेटेस्ट रीडिंग कब मिलेगी? हैविंग द स्मॉलेस्ट डेंसिटी, स्मॉलेस्ट होगी तो भाग जाएगा ऊपर, हैविंग अ लार्जर डेंसिटी, यही आंसर सही हो जाएगा। और क्या? हाँ यही आंसर सही हो जाएगा। नहीं रुक जाओ रुक जाओ, अच्छा पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, ये तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ठीक, फिर द ग्रेटेस्ट रीडिंग इज ऑब्टेन फॉर लिक्विड having the smallest density, having the largest density, यही दोनों में सही है। क्वेश्चन को ध्यान पर लो, स्टील के गोले का आभासी भार अलग अलग द्रवों में स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है, अधिकतम पाठ्यांक किस द्रव में के लिए होगा? अधिकतम पाठ्यांक तब होगा जब थ्रस्ट कम होगा। अधिकतम पाठ्यांक कब होगा? जब ऊपर वाला बल कम होगा नीचे वाला ज्यादा होगा। तो थ्रस्ट कब कम होगा? ये कब कम होगा? जब डी कम होगा। तो स्मॉलर डेंसिटी ए आंसर क्या है? सही। आ गया समझ में? भैया लोगों आया? ठीक। चलो मैं कंफ्यूज नहीं हूं ना, मैं समझाने की कोशिश। चलो नेक्स्ट आगे बोला, डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9, ठीक। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आइस फ्लोट आउटसाइड? देखो एक चीज समझो सुनो, अगर मैं पानी से तौल रहा हूं, तौलना मतलब पानी से कंपेयर कर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ही डूबा हिस्सा बताती है। तो तुमको मैं एक जुगाड़ बताता हूं, अगर पानी से कंपेयर कर, किससे कंपेयर कर रहे हैं? पानी से। तो जो भी डेंसिटी किसी भी बॉडी की दी है उसमें 100 मल्टीप्लाई करा दो। सुन लो, अगर पानी से कंपेयर हो रहा है तो यहां पे पानी से कंपेयर हो रहा है, तो जो भी डेंसिटी बॉडी की दी है उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 90 हो जाएगा कि नहीं? उतना ही परसेंट डूबा रहेगा, उतना ही परसेंट क्या रहेगा? डूबा रहेगा। तो बाहर कितना रहेगा? 10%। तो मेरा आंसर कितना हो गया? ए आंसर। समझ गए? फिर से, जितनी भी डेंसिटी बॉडी की दी होगी उसमें 100 मल्टीप्लाई करा दो, तो जो भी आंसर आएगा वो डूबा हिस्सा होगा, और 90 डूबा है तो बाहर कितना है? 10। ए आंसर। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसको बताओ, अगला बता, फोकस हो। अ ब्लॉक ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1।
आइस मेल्ट कंप्लीटली व्हाट हैपन ऑफ द लिक्विड ऑफ लिक्विड बीकर पानी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। अब देखो कैसे करोगे। अ ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग अ लिक्विड, कोई जरूरी नहीं कि पानी ही बोला है, कंटेनिंग अ लिक्विड सपोज करो कोई ऐसा लिक्विड है ठीक है, उसमें बर्फ ऐसे है ठीक, ये आइस है ऐसा है ठीक। अब समझो A block of ice floating in a beaker containing a liquid specific gravity greater than 1. ठीक, specific gravity greater than 1. Block of ice floating in a beaker containing a liquid, जो liquid है, उसकी specific gravity greater than 1 है. Ice melt completely. What happened to the level of the liquid? अब सुनो. Specific gravity greater than 1 है. Specific gravity होती एक तरीके से क्या है? Density का comparison होता है. सुनिए ध्यान से, अगर मैं इसको पानी से कंपेयर करूं तो उस लिक्विड की डेंसिटी को अगर मैं पानी से कंपेयर करूं, क्योंकि बर्फ है मामला तो पानी से कंपेयर करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। उस लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है? ज्यादा, क्योंकि यहां पर बोल रखा है अ ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन वन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन वन इसका मतलब है कि उस लिक्विड की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी ज्यादा है ठीक है, पानी की डेंसिटी से भी ज्यादा है। ऑप्शन सी बात खत्म। बात ऐसे नहीं खत्म होगी, एक सेटिस्फैक्टरी आंसर होना चाहिए, एक सही आंसर होना चाहिए। मेरा काम तो पहले समझ तो भी गया तो कि ए आंसर बी आंसर सी आंसर डी आंसर, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। कनक बोले डी और बोलने सी। अब देखो इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं, जितनी मैं तुमको बताया हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन वन से क्या क्लियर हुआ कि डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड है और अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर से अगर हम कंपेयर करें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है वाटर के ठीक। अब ये बताइए कि अगर बर्फ की अगर हम बात करें, सीधा सा फंडा एक चीज, बर्फ की अगर हम बात करें, बर्फ पिघलेगा, ऑलमोस्ट पिघलेगा ही पिघलेगा। जब वो पिघलेगा तो कहीं ना कहीं, देखिए कहीं ना कहीं एक चीज समझिएगा, जब भी ये पिघलेगा तो इसमें एड ऑन होगा पानी, एक तरीके से बर्फ का पानी तो एड ऑन ही होगा, तो वो कहीं ना कहीं, अब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी क्या है ज्यादा है। अब अगर ये पानी पिघलेगा तो ये यहीं पे रहेगा क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, तो वो तो नीचे ही रहेगा। बोलो सही है कि नहीं है? तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये वाटर कहीं ना कहीं इसको प्रेस भी करेगा। सही आंसर सी आंसर क्या है? सही यही आंसर सी आंसर क्या है? सही आंसर समझे, सी आंसर ही क्या है सही। आगे समझ में, नेक्स्ट आगे बढ़ो। चलो अब इसको बताओ, अब इसको बताइए, हाइड्रोलिक ब्रक वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, क्या होता है हाइड्रोलिक ब्रक? तो किस पे लगता है? पास्कल पे लगता है। किस पे लगता है? पास्कल पे लगता है। तुम लोग आंसर देते हो कि सिर्फ मुस्कुराहट की स्माइली है, तुम लोग करते रहते हो, कहाँ मजा मिलता है भाई? आंसर ए या बी या सी या डी ऐसे दो कि मुस्कुरा ही रहे हो। आगे क्या बोला है? विच आर द फॉलोइंग वर्क ऑन द पास्कल, कौन? हाइड्रोलिक लिफ्ट ठीक। ये सब एनडीए पीवाई के क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट आगे। अब इसको बताओ, हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड अपॉन, बताओ। देखो जितना भी हाइड्रोलिक वाला मामला है ना, सारा पास्कल की जिम्मेदारी है।
किसकी जिम्मेदारी है? पास्कल की, जितना भी हाइड्रोलिक वाला मामला, ठीक है। नेक्स्ट आगे, द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद फ्लोटेशन, फ्लोटेशन किससे एसोसिएट था? आर्किमिडीज से। किससे था? आर्किमिडीज से, समझ गए। तैरना और ना रिलेटेड किससे है, ऐसा भी समझ सकते हो, तो किससे है? आर्किमिडीज से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्हेन अ शिप फ्लोट ऑन अ वाटर, मजा है क्वेश्चन में, मजा है मजा। आप दो पहले, आप आंसर दो, देखते कितने लोग सही देते। आप पहले आंसर, तीर ऐसे मारो खटाक से, बताओ कौन सा आंसर है। आप पहले दो, फिर हम जानना चाहते हैं वेरियस आंसर्स बनते हैं बच्चों के, ऑलमोस्ट बताइए। बताइए क्या बात है। बिल्कुल सही, बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। क्यों सही? क्योंकि नाव है, ऐसे डूबा है, ऐसे है। नीचे क्या लगेगा? एमजी, और ऊपर लगेगा थ्रस्ट, ठीक। थ्रस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा एमजी, थ्रस्ट के कारण ही डिस्प्लेस होता है पानी, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया, डिस्प्लेस वाटर किसके बराबर आ गया? ये वेट ऑफ शिप है, ये क्या है? वेट ऑफ शिप, समझ गए, क्लियर हो? ये वेट ऑफ क्या है? शिप। तो बी आंसर क्या है? सही। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे अब इसको बताओ, अब इसको बताइए, पानी ये बिल्कुल रटा रहने वाला क्वेश्चन है। पानी के लेवल में कोई चेंजेस, जैसे मान लो गिलास में पानी भरे हो, आपने बर्फ डाला, पानी कुछ बाहर और चला गया, अब बर्फ पूरी पिघल जाएगी, पानी का लेवल बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो इसका आंसर क्या होता है? इट विल रिमेन अनचेंज, समझ गए। तो इसको लिख लो, रट लो ज्यादा। नेक्स्ट, अब ये वाला बताओ तो समझे, ये वाला बताओ तो समझे, ये वाला। आइस क्यूब हैविंग अ ग्लास बॉल इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेनिंग अ ट्रफ, द वाटर लेवल व्हेन द क्यूब मेल्ट विल, अब लगाइए जरा इसको बताइए। सबसे बड़े के साथ जाओगे ना तो एग्जामिनर भी कहेगा ऐसा है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ठीक, मगर हम एनडीए में तुमको फेल कर देंगे क्योंकि आंसर गलत है। आंसर क्या है? गलत है। सबसे बड़ा वाला आंसर, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ज्यादा बुद्धि तुम लोग लगा रहे हो बस। अच्छा ये बताओ, जो उसके अंदर की ग्लास बॉल है, ग्लास की जो बॉल है, आइस क्यूब हैविंग अ ग्लास बॉल इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एक आइस क्यूब है, ठीक, और उसके अंदर ग्लास की बॉल है, ठीक, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेनिंग अ ट्रफ, ठीक, एक बर्फ का घन जिसमें शीशे की गोली है, जिसके अंदर शीशे की गोली, मान लो कंचा है, कंचा, ठीक, कंचे को पानी में से डालो, टुबक से डूबता है, टुबक से डूबता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? इसका मतलब कंचा डूब जाएगा, तो मान लो इतनी बड़ी शीशे गोली और ये क्यूब है, ठीक, पानी से भरा नाद की सतह पर। अब देखो सुनो, जब बर्फ ऐसे गया वो तो इतना ही पानी डिस्प्लेस कर देगा बाहर, बोलो सही, मगर पिघलेगा कम, मगर पिघलेगा क्या?
कम, बोलो सही है, मगर वो जो कंचा है वो भी तो नीचे चला जाएगा, सोचो सोचो, कंचवा तो नीचे चला जाएगा तो पानी को ऊपर भेजेगा नहीं, सोचो जरा, नॉट चेंज तो नहीं, हम देखो 50-50 कर दिए हैं, अब तुम मार दो, 50-50 कर दिए हमने, तुमको हिंट दे दिया, अब तुम अपना बुद्धि लगाओ, मेरा नेम क्या है, मेरा नेम आप देखिए टाइटल में लिखा भी है, मधुर सिंह, क्या नाम है मेरा, मधुर सिंह, आंसर दो, आंसर हमने 50-50 कर दिया है, अब करोड़पति बन सकते हो आप, ठीक बताओ जल्दी से, सी आंसर क्या है, सही है, समझे कि नहीं, मारी रहो तुम, मारी रहो, बहुत मारी रहो, बहुत मारी रहो, बहुत मारी रहो, हाँ बहुत बढ़िया, दीक्षा के लिए ताली, बहुत सही, ताली दीक्षा के लिए ताली, हाँ जिनकी वॉइस मधुर है, दीक्षा क्या हुआ भैया, दीक्षा क्या हुआ, चलो अच्छा देखो एक चीज मैंने देखा, एक चीज तुम लोगों को सबको देखा कि जब कंट्राडिक्टरी मामला रहता है तब सब जाग जाते हो अबे सुन दो, बाय बाय छोड़ो, पहले तो सुनो, जब कंट्राडिक्टरी टाइप का रहता है, जैसे मान लो मैंने मार दिया कुछ भी गलत मार दिया, सब बी पढ़ाए तो बी बताए थे, बी बताए थे, बी बताए थे, बी आंसर सही है, ठीक है चलो, ठीक है ठीक है, जाओ जाओ कॉलेज जाओ, ज्यादा सही है, ठीक है बी आंसर सही है, तुम्हारा आंसर सही है, चलो नेक्स्ट आगे चलो, चलो कितने कितने ऑप्शन, कितने कमेंट आए ये सोचो, कितने ढेर सारे कमेंट आए ये सोचो, सब ठंडे बैठे थे, सारे ठंडे बैठे हुए थे, कोई आंसर नहीं देता था, एक तो गलत बोलो कि भाई अलग ही भी अलग ही भाई साहब, ये बताए थे ये बताए थे ये बताए बताए सही थे, आंसर भी सही है, ठीक अब इसको बताओ,
अब ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप सही कर सकते हो, कुछ अलग करते हैं। सडन फॉल ऑन द प्रेशर एट द प्लेस इंडिकेट, देखो ये बर्नौली होता है, ये क्या होता है, बर्नौली होता है, मतलब आप सही थी भैया, सही थी आप। सडन फॉल, सुनो, सडन फॉल ऑफ प्रेशर मतलब ये समझ लो कि प्रेशर गिर गया, प्रेशर क्या हो गया, गिर गया। तो बर्नौली का थ्योरम ये बोलता है प्रेशर गिर गया तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई इसका मतलब आंधी आ गई, आंधी की स्पीड क्या होती, ज्यादा होती, समझ गए कि नहीं। तो जब भी आंधी आए तो समझ जाना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया। चलो ठीक, क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये बताइए, बोला क्या है, एक रेलगाड़ी तेजी से गति करती हुई गुजरती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा होना खतरनाक है। देखो बच्चों, जब भी गुजरती है तो वहां की हवाएं, उनकी जो स्पीड है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, उनकी जो स्पीड है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो स्पीड इंक्रीज कर जाएगी तो प्रेशर जो होता है डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो आप गिर सकते हो, समझ गए कि नहीं। तो वही चीज है, एक रेलगाड़ी तेजी से करती हुई गुजरती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा होना खतरनाक होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के किनारे का दाब घटता है ट्रेन के वेग पर नहीं। फिर से, अ डेंजरस ट्रेन, ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि जब भी ट्रेन गुजरी तो वहां की हवाओं जो है वो बढ़ गई एक तरीके से, तो वहां का प्रेशर क्या हो गया, घट गया, तो आप प्रेशर घट गया तो गिर सकते हो, ये कंसेप्ट है। It is dangerous to stand, ये सारी चीज़, because, अब option पढ़ो, ठीक? Because the pressure near the edge of the platform, ठीक? ठीक? Decrease at high velocity. B, D answer क्या है? सही. D answer क्या है? Pressure घट जाएगा at high velocity. Clear हुआ? लिख लो. ठीक है? चलो अभी कुछ और question, चार पांच और कराए. Next. आगे, अब इसको बताओ, अब आप इसको बताइए, बोला क्या, फ्लो वेलोसिटीज इन कंप्रेसिबल फ्लूइड, मतलब किसी असंपीड़ित तरल का बहाव निम्नलिखित में किस एक द्वारा मापा जाता है, तो वो बच्चों कुछ और नहीं है, वो वेंचुरी मीटर होता है। क्या होता है, वेंचुरी मीटर होता है, ठीक है, क्या होता है, वेंचुरी मीटर। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर, नेक्स्ट आगे, अब इसको बोला क्या, खेत की जुताई में मिट्टी का पानी को रोकने में किस प्रकार सहायक होती है, ठीक, बोला क्या, हाउ डज प्लगिंग हेल्प टू रिटेन सब सॉइल वाटर, खेत की जुताई मिट्टी के पानी को रोकने में किस तरीके सहायक होती है। देखो होता क्या है ना, जिसको कभी भी आप देखोगे घर और में गमलों उमलों में घास उगाती है, बोलो सही है कि नहीं, पेड़ लगा है अगल बगल घास उगाई, तो अब ये क्या है कि सबने तो भाई जो पानी खींचना है वो केसिकत तो यानी कैपिलरी एक्शन से खींचना है, तो वही जब जुताई की जाती है तो जितने भी उस टाइप की चीजें होती है उनको तोड़ दिया जाता है, जैसे घास थोड़ी लकड़ी पकड़ी जो भी चीजें जितनी भी लाइव चीजें हैं जो जमीन से कनेक्टेड सब टूट जाती है, ठीक, तो वही चीज है, केसिका नली तोड़ दी जाती है, वही आंसर क्या है, सही है। आ गया समझ में, क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अब इसको बताओ बच्चों, अब इसको बताओ, आगे सुन, चलो क्लियर, चलो
चलो क्या है, बाय द लिक्विड ड्रॉप टेंड टू एक्वायर स्फेरिकल, स्फेरिकल किसके कारण होता है बच्चों, किसके नहीं बोला है, द्रव की बूंदे गोलाकार आकृति ग्रहण करती है क्यों, ठीक क्यों गोलाकार लेती, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, टू हैव मैक्सिमम एनर्जी, टू हैव मिनिमम एनर्जी, बिकॉज स्फीयर हैज अ मैक्स, ये आंसर तो नहीं होगा, या तो ये सही होगा, इन दोनों में से कोई भी सही होगा, ठीक है, या तो ये बताइए कौन सा होगा, सरफेस टेंशन तो है मगर सरफेस टेंशन का ऑप्शन नहीं दिया है ना बच्चों, सरफेस टेंशन का ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक, तो वो अपने आप को सिकोड़ती है, छोटा करती है, किस लिए, मिनिमम एनर्जी के लिए, किसके लिए, मिनिमम सरफेस एनर्जी के लिए, लिख लो आप, ठीक है, एज लिमिट अभी आपको तुरंत सेंड हो जाएगा, आप बस देख लो, ठीक है, जनवरी 2000 कुछ ऐसे ही है, देखो आपको सेंड हो जाएगा, तो एज लिमिट देख लीजिए, हमने पिनअप कर दिया है एक तरीके से, चलिए आगे बढ़िए, चलो अब बताइए क्या है, व्हाट बोला है, शैम्पट पर चौक से लिखित किसके कारण संभव होता है, किसके कारण संभव होता है बच्चों, एडहेसिव फोर्स के कारण, किसके कारण संभव होता है, एडहेसिव फोर्स के कारण, नेक्स्ट आगे चलते व्हेन द टेंपरेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, घट जाता है, समझ गए कि समझ गए, लिख लो, हेलो प्रवीण, हेलो अनुज, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी, बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।